नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। जब अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, तब उन तैयारी के तहत भगवान श्री राम की एक भव्य शोभा यात्रा लिमडी के नीलकंठ विद्यालय की ओर से लिमडी शहर में निकाली गई। लिमडी के मुख्य मार्गों में बड़ी लंबी शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में स्कूल के छात्र छात्राएं वेशभूषा धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस कार्यक्रम लिमडी विधायक किरीट सिंह राणा, लिमडी बड़ा मंदिर लालदास जी बापू स्वामी नारायण संप्रदाय स्वामी जी, लिमडी नीलकंठ विद्यालय संचालक लाला भाई पटेल, लिमडी नगर पालिका अध्यक्ष रघुभाई पटेल, लिमडी शहर भाजपा अध्यक्ष मुकेश भाई सेठ, तालुका भाजपा अध्यक्ष दशरथ सिंह राणा, गुजरात के पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष शंकर लाल दलवाड़ी और भाजपा और बजरंग दल नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता भाई बहन स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल थे। राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी को मजबूत प्रदान करने के लिए लगातार पदयात्रा कर रहे सबसे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसका असर दक्षिण में देखने को मिला, मगर अन्य तीन राज्यों के परिणाम ने कांग्रेस को फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी जोड़ो की शुरुआत की और अब 15 जनवरी के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार पदयात्रा कर रही है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं मिला। रिजल्ट आगामी 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार इसका जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यात्रा के पहले INDIA गठबंधन के साथ जो गठबंधन हुआ है पहले वो सफल कर ले। वहीं शशि प्रताप के बातों का जवाब देते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पदयात्रा के साथ साथ पार्टी के साथ आपसी सामंजस्य बनाकर चल रही है। इसका परिणाम आगामी 2024 में देखने को मिलेगा। आगरा में EVM प्रदर्शन केंद्र EDC का शुभारंभ किया गया। DM भानुचंद्र गोस्वामी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय बनाया गया है, साथ ही EVM प्रदर्शन केंद्र EDC के प्रचार प्रसार के भी आदेश दिए गए हैं, जहां प्रदर्शन केंद्र पर आकर EVM से जुड़ी जानकारी आम आदमी ले सकेंगे। लोगों को जागरूक करने को EVM प्रदर्शन केंद्र का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हरदोई में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में घुस गई, जहां कार में ने घर के सामने खड़ी दो कारों को भी टक्कर मार दी। वहीं हादसे के बाद रईसजादे कार छोड़कर फरार हो गए। घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। घटना संडील कस्बे के हरदोई रोड पर नई तहसील का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दिवंगत भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव ढकिया परवेजपुर पहुंचे। उन्होंने मानवेंद्र सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावपूर्ण नमन किया। इसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने यहां दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह के पैतृक आवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने शोक संतृप्त परिवार को संतावना दी। बता दें कि ददरौल के भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह का 5 जनवरी को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वो लीवर की बीमारी से ग्रसित थे। विधायक के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर करीब 12:04 पर हेलीकॉप्टर से पैतृक गाँव ढकिया परवेजपुर पहुंचे। उन्होंने मानवेंद्र सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावपूर्ण नमन किया। इसके बाद दिवंगत विधायक के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें संतावना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। करीब 30 मिनट यहां रुकने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बरेली के लिए रवाना हो गए। यूपी के महाराजगंज जनपद में लगातार बढ़ रही मोबाइल चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
महाराजगंज पुलिस ने जिले के कई थाना क्षेत्र से गायब हुए 101 मोबाइल फोन को सर्विलांस की मदद से बरामद कर उसके असली हकदारों को सौंप दिया है। पुलिस कार्यालय में एसपी ने खुद मोबाइल फोन का वितरण किया। आपको बता दें कि जिले के कई थाना क्षेत्र से लगातार मोबाइल चोरी और गायब होने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल को सर्विलांस के जरिए बरामद कर उसके असली हकदारों तक पहुंचाया है। पुलिस के इस पहल की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विगत कई महीनों से मोबाइल चोरी की शिकायतें आ रही थी, सर्विलांस के जरिए इन मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस करके इसकी बरामदी की गई है, उन्हें आज सौंपा जा रहा है और अब तक 101 लोगों का खोया हुआ फोन उनके असली हकदारों को सौंपा गया है और कहा कि आगे भी लोगों का खोया फोन बरामद कर असली हकदारों को सौंपेंगे। साथ ही इन सेटों की कीमत करीब 1,50,352 रुपये की आंकी गई है। सर्विलांस टीम के अथक प्रयासों से खोए हुए मोबाइल तकरीबन 101 मोबाइल बरामद हुए हैं। आज इनके स्वामियों को इनको लौटाया जा रहा है। इनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए हैं। सभी खोए हुए मोबाइलों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए हैं। आज सर्विलांस टीम के द्वारा जो सराहनीय प्रयास किया गया है, उसमें मेरी ओर से सर्विलांस टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने अति व्यस्तम रामदेवी चौराहे का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी के साथ साथ एडीसीपी और सीपी को भी दिशा निर्देश दिए और पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने निरीक्षण के बाद बताया कि थाना चेकरी स्थित रामदेवी चौराहे पर जाम लगने के कारण दिखाई दे रहे हैं, जिनमें चौराहे पर सड़क तक लगने वाली सब्जी मंडी और अवैध स्टैंड हैं। साथ ही सड़कों तक फैला अतिक्रमण है, जिसको देखते हुए नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और कैस्को के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी लोग विभागीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिससे चौराहे पर जाम न लगे। वहीं सब्जी मंडी को दी गई जगह पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा स्थानांतरित किया जाएगी। चौराहे पर नीचे लटक रहे बिजली के तारों को कैस्को के माध्यम से सही किए जाएंगे। चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत है, जिससे जाम से छुटकारा मिल सके। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना विभाग अगरतला एवं लखनऊ द्वारा संयुक्त तत्वाधान में त्रिपुरा से पत्रकारों का एक दल 10 से 14 जनवरी तक विकसित भारत के तहत किए गए कार्यों और बदलते बनारस की झलक जानने के उद्देश्य से वाराणसी पधारे। वाराणसी आगमन पर स्थल ने वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा से मुलाकात की, जिसमें मंडलायुक्त ने उनको काशी विश्वनाथ मंदिर के बदले स्वरूप से वाराणसी की आर्थिक दशा के साथ साथ धार्मिक गतिविधियों की बदलती दशा पर उनको जानकारी प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने वाराणसी के बुनकरों घाटों, सारनाथ सहित अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जानकारी प्रदान की और बताया कि वो लोग इसका अवलोकन अवश्य करें और अपने माध्यम से इसकी रिपोर्ट भी तैयार करें। 9 सदस्यीय ये दल ग्रामीण क्षेत्र में विकसित भारत यात्रा के तहत लगाए गए कैंपों का भी अवलोकन करेगा। इस अवसर पर वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने दल के सदस्यों को वाराणसी में विकसित भारत अभियान के तहत लगाए गए कैंपों के साथ साथ इसका लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की और बताया कि किस प्रकार से वाराणसी में इसको आयोजित किया गया। त्रिपुरा प्रदेश से पीआईबी जो भारत सरकार की एजेंसी है, उसके माध्यम से वहाँ के काफी नामित पत्रकार वाराणसी आए हैं और ये एक कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के पत्रकारों को और जो हमारे पत्रकारिता से जुड़ी हुई फिगर्स हैं उनको दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है ताकि भारत के बारे में वे ज़्यादा समझ सकें। इसी प्रकार से त्रिपुरा से एक दल आया हुआ है, जिसमें 20 से ज़्यादा वहाँ के बड़े पत्रकार शामिल हैं और त्रिपुरा के अधिकारीगण उनके साथ हैं। वाराणसी को बदलते हुए कैसे बेसिकली देखा जाए, उसको समझने के लिए वे आए हैं और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा उसके अंतर्गत किया जा रहा है। ये 2 महीने में ही ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के काफी दल एक दूसरे प्रदेशों में जाएंगे। झांसी में नए डीआईजी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की प्राथमिकताओं पर कार्य किया जाएगा, पीड़ित को हर हाल में न्याय मिलेगा, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, महिला और बालिकाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार की देर रात नए पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी
कलानिधि नैथानी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार शासन की प्राथमिकताओं पर कार्य किया जाएगा। महिला बालिका संबंधी अपराधों में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत समीक्षा की गई और कार्रवाई की जाएगी। अपराधी पर कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने थानों में साफ सफाई रखने तथा हर फरियादी को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। आमजन में पुलिस की साफ छवि बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसी दौरान एसएसपी राजेश एस सहित समस्त पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ज्ञापन की कड़ी में जनपद झांसी की तहसील मौरानीपुर में आज उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन उपजिलाधिकारी मौरानीपुर के द्वारा भेजा गया। तीन मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वाराणसी की बेटियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस घटना के लिए देश की बेटियों से माफी मांगे। साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा घटना में भाजपा से संबंधित लोग शामिल हैं कहने पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह कथन बाद में सच साबित हुआ, अतः उनके ऊपर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए। यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि आज पूरा देश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर दिन प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हवा हवाई साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में वन विभाग द्वारा 23 चीतल छोड़े गए। आपको बता दें कि सन 2021 में 266 चीतल छोड़े गए थे और अब 23 चीतल छोड़े गए हैं। आने वाले समय में और भी चीतल यहां छोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के लिए दूसरा घर तैयार किया गया है। इसको लेकर वन विभाग द्वारा चीता की दूसरी खेप गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ी गई है। गांधी सागर अभ्यारण्य में स्वास्थ्य अवस्था में वन प्रणाली पशु चिकित्सक की निगरानी में करीब 90 हेक्टेयर के बाड़े में इन्हें छोड़ा गया है। इसे वर्ष 2024 के 15 फरवरी के बाद कभी भी गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाया जा सकता है। वर्तमान में 2021 में यहाँ पे 266 चीतल छोड़े गए थे वन विहार और नरसिंहगढ़ से, और अभी पुनः 23 चीतल कान्हा नेशनल पार्क से लाए हैं। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क से ही कुछ 500 चीतल आने हैं, वन विहार से 250 चीतल आना है और नरसिंहगढ़ सेंचुरी से भी 500 चीतल आना है। इस प्रकार कुल 1250 चीतल यहाँ लाने का प्लान है। इसके अलावा कुछ काले कृष्ण मृग जो होता है ब्लैक बक, वो भी करीब 400 की संख्या में राजस्व क्षेत्र से पकड़कर यहाँ पे छोड़े जाएंगे। और रही बात चीतों के लिए तैयारी की, तो जो चीतों के लिए बाड़ा बना रहा था वो अंतिम चरण में है। राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र अंतर्गत चिला बैराज मार्ग पर सड़क हादसे में घायल और जान गंवाने वाले वन अधिकारियों का हादसे से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें इंस्पेक्टर वाहन में सवार सभी अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हंसी खुशी के साथ सभी वन अधिकारी इंस्पेक्टर वाहन का आनंद ले रहे हैं। ड्राइवर के बगल में एक वन कर्मचारी बैठा हुआ दिखाई दिया, जबकि बीच वाली सीट पर तीन वन अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं, जिनमें से कोने पर बैठा हुआ एक वन कर्मचारी मोबाइल के फ्रंट कैमरे से सभी को का वीडियो बना रहा है। पीछे वाली सीट पर एक महिला सहित दो वन अधिकारी बैठे हुए हैं और तीन वन कर्मचारी वाहन में पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रायल के लिए आए इंस्पेक्टर वाहन की सवारी को लेकर वन अधिकारियों और कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह था, लेकिन उनका यह उत्साह कुछ ही देर बाद सड़क हादसे की वजह से दुख में बदल गया। घटना में दो रेंज अधिकारियों सहित वन अधिकारी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला वन अधिकारी अभी तक चेला शक्ति नहर में लापता है, जिसकी तलाश के लिए SDRF सर्च अभियान चला रही है। 5 वन अधिकारी और कर्मचारी एम्स में उपचार के लिए पहुंचे थे, जिनमें से 3 वन अधिकारियों को छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 2 वन अधिकारी की हालत गंभीर होने की वजह से अभी भी एम्स में उपचाराधीन है।
आगरा में ट्रक लूट कांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने मेवाती गैंग के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश चोरों के ट्रकों से गौकशी शराब की तस्करी करते हैं। वहीं गैंग का मास्टरमाइंड आजाद अभी भी फरार चल रहा है। ये बदमाश करीब 16 दिन पहले तमंचा दिखाकर ट्रक लूटकर भाग गए थे। ट्रक ड्राइवर ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका था। बदमाश राजस्थान डी के रहने वाले हैं। पकड़े गए बदमाश थाना किरावली एसओजी सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के बाद ये सारे बदमाश पकड़े गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।